गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती। प्यारे बच्चों, आज क्लास ट्वेल्थ का शॉर्ट स्टोरी का थर्ड लेसन है, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, चाइल्ड मीन्स बच्चा। मुल्कराज आनंद जी की रचना है। वास्तव में मुल्कराज आनंद जी जो है ऐसे इंडियन राइटर थे कि जिनकी कहानियों को फिल्माया भी गया है। आइए देखते हैं थोड़ा उनके बारे में कि मुल्कराज आनंद जी थे कौन और कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या करते थे। करा मुल्कराज आनंद हैज़ अ डिस्टिंग्यूस्ड प्लेस अमंग द इंडियन राइटर्स। मुल्कराज आनंद जी का भारतीय लेखकों में एक उनको भी एक निश्चित उनका स्थान था, यानी प्रसिद्ध राइटरों में से एक थे। ही वॉज बर्न इन 1905 इन पेशावर, जिनका जन्म 1905 में पेशावर में हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान का एक भाग है। ही वॉज एजुकेटेड इन अमृतसर, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है अमृतसर से हुई। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड ऑन ए स्कॉलरशिप टू स्टडी फिलासफी एट लंदन यूनिवर्सिटी इन 1925। और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से 1925 में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इनको लंदन के विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। और ही गॉट ए डॉक्टरेट फ्रॉम कैम्ब्रिज, जहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वही इज फेमस फॉर हिज स्टाइल एंड एक्सप्रेशन, अपने प्रभाव और अपनी शैलियों के लिए फेमस थे, प्रभावशाली थे, यानी लोगों के बीच जाने जाते थे। हिज फेमस वर्क्स आर द बिग हार्ट, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कार्य हैं, उनमें से एक का नाम है द बिग हार्ट, दूसरा है द स्वॉर्ड एंड द सिकल्स, अगला है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, नेक्स्ट है द कुली। कुली का नाम सुना होगा आपने, फिल्म देखा होगा, उसको फिल्माया गया। एंड द अनटचेबल, बहुत ही रोचक कहानी है अनटचेबल। द लास्ट चाइल्ड इज वन ऑफ हिज फेमस स्टोरी, और लास्ट चाइल्ड जो आप पढ़ने जा रहे हो करा उनकी स्टोरी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। तो ये थी जो है मुल्कराज आनंद जी की रचनाओं के नाम। अब आइए पढ़ते हैं स्टोरी के बारे में कि स्टोरी है किसकी। द लास्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड हु गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। का लास्ट चाइल्ड जो है एक ऐसे बच्चे की कहानी है हु गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है, यानी मेला देखने के लिए जाता है। ही इज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, बैलून्स एंड द राउंड अबाउट इन द फेयर। जहाँ पर वो अट्रैक्टेड होता है, मतलब आकर्षित होता है, किससे? मेले में जो खिलौने देखता है उससे आकर्षित होता है, मिठाइयों को देखकर आकर्षित होता है, फूलों को देखकर आकर्षित होता है, फूलों के गजरों को देखकर आकर्षित होता है, गुब्बारों को देखकर आकर्षित होता है, और राउंड अबाउट इन द फेयर, और मेले में लगे उन झूलों को देखकर वो आकर्षित होता है। बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट फुलफिल एनी ऑफ हिज डिजायर्स, लेकिन उसके माता पिता उसके किसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। ऑल ऑफ सडन, और अचानक ही इज लॉस्ट इन द क्राउड, वो भीड़ में गायब हो जाता है, खो जाता है। और जब गायब हो जाता है तो कहता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर राइटर जो है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की स्थिति कैसी होती है आफ्टर ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द फेयर, जब वो मेले में अपने माता पिता से अलग होता है। करा उस समय बच्चे की दशा कैसी होती है। डज ही फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या वो अपने माता पिता को पाता है। रीड द स्टोरी टू गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए इस स्टोरी को पढ़िए। अब स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ वहाँ से जहाँ लोग मेले के लिए जा रहे होते हैं। कहता है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कहा ये बसंत ऋतु का त्यौहार होता है। फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ नियरो लेंस एंड अलाइज इमर्ज अ गैलिक क्लैड ह्यूमिटी, जहाँ पर जो है
विंट्री शैडोज ऑफ नैरो लेंस। विंट्री मतलब शैडोज ऑफ नैरो लेंस, जहां पर सकरे रास्ते पर लोग जो है एलाइज इमर्ज ऑफ गैली क्लैड ह्यूमन ह्यूमनिटी, जहां पर पगदंडी का रास्ता पकड़े हुए प्रसन्नता पूर्वक लोगों की भीड़ एक तरफ आगे की ओर बढ़ रही होती है। अथिक स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम द वारन, उसी प्रकार से लोगों की भीड़ हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे बंजर यानी खाली मैदानों में खरगोश के बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उछल कूद करते रहते हैं, उसी प्रकार से लोग प्रसन्नता पूर्वक मेले की ओर बढ़ रहे थे। दे इंटर द फ्लोटेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट। दे इंटर वह प्रवेश करते हैं द फ्लोटेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट। उस विशाल का सागर की ओर, द स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट, जहाँ पर शहर के बाहर जो गेट था उसके बाहर जो समुद्र की लहरें सूर्य के पड़ने से चांदी की भांति चमक रही थी, वे लोग वहाँ प्रवेश करते हैं एंड स्पेड टूवर्ड द फेयर, और मेले की ओर अग्रसित होते हैं। समवॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस अदर साइड बींग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, कुछ लोग घोड़ों की सवारी किए होते हैं। अदर साइड बींग कैरीड इन बम्बू और बुलक कार्ट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बांस या बैलगाड़ी में सवार होकर जाते हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाई एंड लाफ्टर, उन्हीं में से एक छोटा बालक जो अपने माता पिता के पैरों के बीच से उछलता कूदता हुआ हंसता हुआ वो भी मेले की तरफ जा रहा होता है। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग एंड अनअसेप्ट इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इन टू द फील्ड, खुशहाल सुबह हर किसी का उस मैदान में आने का स्वागत कर रही थी। एंड अनअसेप्ट इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इन टू द फील्ड, और हर किसी को बिना किसी रोक टोक के उस मैदान में आने के लिए आमंत्रित कर रही थी। फुल ऑफ फ्लावर एंड सॉन्ग, जो फूलों और गीतों से गूंज रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं बच्चे के कि आओ बच्चे आओ। एज ही लेज बिहाइंड, जैसा कि वो पीछे ही रह जाता है। अरेस्टेड बाय द टॉय द शॉप दैट लाइन द वे, यानी जो लाइन से खिलौने की दुकानें लगी हुई थी उसको देखकर बच्चा पीछे ही देखता ही रहता है खड़े होकर, यानी रुक सा जाता है, और माता पिता उसके आगे चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा खिलौनों से ही आकर्षित होकर रुक गया है, तो उसे बुलाते हैं। ही हरी टूवर्ड हिज पेरेंट्स, और जब बुलाते हैं तो ही हरी हरी मीन्स जल्दी से टूवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ भागता है। हिज फीट्स ओबीडियंट टू दियर कॉल, उसके कदम उनकी आवाज़ों का अनुसरण करते हैं। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, कहा कदम तो उनकी आवाज़ का अनुसरण करते हैं लेकिन आँखें नजरें अभी एक तक उसी खिलौने पर ही टिकी हुई है। एज ही केम टू हेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ही कुड नॉट सेपरेट द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छाओं को दबा नहीं पाता है। इवन द ही विल नो वेल न्यू नो द वर्ल्ड, यद्यपि वो इसको भली भांति जानता है कि कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ दियर आइज, कि उनकी आँखों में उसकी इनकार का उसकी मनाही की अस्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी, फिर भी बच्चा कहता है आई वॉन्ट दैट टॉयड ही प्लीडेड, वह आग्रह करता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज इन हिज फैमिलियर टायरेंट वेज, जैसे कहता कि मुझे वह खिलौना चाहिए, उसके पिताजी लुक्ड एट हिम उसे देखने लगते हैं इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपने चिरपरिचित अंदाज में उसे घूरने लगते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्रेश स्वीट, जबकि उसकी माँ
थोड़ा नरमी के साथ, थोड़ी दयालुता के साथ, उस दिन प्रसन्नता के साथ उसके साथ व्यवहार करती है, वॉज टेंडर एंड गिविंग ही हर फिंगर टू कैच, और उसे समझाने बुझाने का प्रयास करती है और अपनी अंगुलियां उसे पकड़ा देती है। कहती सेट, कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कहती बच्चे देख, उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है देखो आगे क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैबी, द फेंट डिस्गस्ट, दर्द जो है ऑफ द चाइल्ड अनफुलफिल्ड डिजायर, बच्चे की अपूर्ण इच्छा की डर ने जो है बड़ी मुश्किल से उसके हैवी यानी भरे हुए हृदय को, यानी दुखी हृदय में थोड़ा, दुखी हृदय में थोड़ी नरमी आती है, यानी थोड़ा वो सहजता महसूस करता है। तो प्यारे बच्चों, ये था द लास्ट चाइल्ड का थोड़ा सा, थोड़ी सी कहानी। आगे बचे हुए पार्ट्स में इसके बचे हुए स्टोरी को डिस्क्राइब किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।